अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल। स्टैंडर्ड 4, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर नंबर 11, मेजरमेंट। बच्चों, ये चैप्टर है मेजरमेंट के बारे में, या हम कोई भी चीज का मेजर करते माप करते उसके बारे में। ओके, लुक एट हियर, हियर टू लाइंस आर गिवन, मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन शोन बिलो एंड कन्वर्ट इंटू मिलीमीटर। ओके, सेंटीमीटर में दी हुई है, इसको हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट लाइन कितनी? 4 सेंटीमीटर की। तो 4 सेंटीमीटर को किससे करना है? एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर रहता है, तो 4 सेंटीमीटर को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर इज 40, मतलब 40 मिलीमीटर। सेंटीमीटर अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट होता है तो वो 10 की प्लेस पे आता है। ओके, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 40, तो आंसर आया 40 मिलीमीटर। ओके, हियर ऑल्सो सेकेंड लाइन इज गिवन, ये कितने सेंटीमीटर की है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 60। ओके, तो 6 सेंटीमीटर कितना हुआ? 60 मिलीमीटर। ओके स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर? अवर नेक्स्ट सम, लुक एट हियर, सी सेम वे, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमने यहाँ क्या किया है? मल्टीप्लाई किया है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर को हमको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 43 × 10, हम क्या करेंगे? 43 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर इज 430। हैंड 43 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 430 मिलीमीटर, मतलब 43 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर है? 430। हैव यू अंडरस्टूड टिल हियर स्टूडेंट? लुक एट हियर द नेक्स्ट सम्स। अब ये नेक्स्ट सम्स है, इसको क्या करना है? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर रहता है? 1000। ओके, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, या 50 किलोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, सो 50 मल्टीप्लाई बाय 1000। हम 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से, तो आंसर इज 15000, मतलब 15 किलोमीटर कितना मीटर हुआ? 15000 मीटर। हैव यू अंडरस्टूड स्टूडेंट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।